नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये फूलगोभी के जो डंठल है इसका सब्जी बनाना बताऊंगी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आपने अगर पहले कभी ये सब्जी ना खाए हो तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो यहाँ पर हमने फूलगोभी के डंठल ले लिया है, और ये जो अभी सर्दी में जो फ्रेश फूलगोभी आ रहे हैं उसी का ही बनते हैं, और ये खाने में अच्छा होते हैं। और जितना दिन जाते हैं ये अगर पका होते हैं ना पत्ते, तो वो खाने में अच्छा नहीं होता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये जो ऊपर वाले डंठल है ये थोड़ा सा पका हुआ है, तो इसे हम निकाल लेंगे। जैसे इस तरीके से बहुत मोटा और ऊपर वाला जो डंठल होगा उसे हम साइड कर देंगे, और ये जो पत्ते हैं हरे वाले और कच्चे इसे हम यूज़ करेंगे। तो इसे हम काट लेते हैं। इस तरीके से पहले हम डंठल को अलग कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे दो फूलगोभी के डंठल लिया है। ये जो है इसे भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका भी थोड़ा सा पार्ट हम फेंक देंगे, क्योंकि ऊपर के ये जो ओर है वो बहुत हार्ड होते हैं, पका हुआ होते हैं, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये जो थोड़ा सा ये थोड़ा कच्चे होते हैं इसे हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका टुकड़ा कर लेंगे। देखिए थोड़ा ये पतला सब्जी, सभी चीज़ें पतला कटेगा तो ये पकने में भी बहुत आसानी होगी। देखिए इस तरीके से, और ये जो डंठल है ये जो बड़ा वाला डंठल होगा जैसे ये साइज है, तो साइज हम ऐसा रखेंगे, ऐसा साइज रखेंगे। तो इसी तरीके से हम काट लेंगे, और इसे हम छोटा टुकड़ा करने के बाद इस तरीके से स्लाइस करेंगे। देखिए देख सकते हैं कितना पतला ये स्लाइस किया है। तो इसी तरीके से हम सभी डंठल को काट लेंगे, जो छोटा है उसे ऐसे ही रहने देंगे, और जो थोड़ा बड़े हैं उसे हम दो टुकड़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले सब्जी सारे डंठल काट लेते हैं, उसके बाद मैं सब्जी बनाना शुरू करूंगी। तो सभी को इसी तरीके से काट लेना है। तो डंठल को हमने काट लिया है और अच्छे से इसे वॉश कर लिया है, और यहाँ पे हमें कुछ सब्जी चाहिए जो काट लिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के आलू ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, आधा बैंगन है, बैंगन के स्लाइस ऐसे किया है, और चार पांच सीम की फली जिसे हमने ऐसे टुकड़ों में काटा है, और चाहिए हमें मूली। तो यहाँ पर आधा मूली को हमने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, और इसमें से जो सब्जी आपको नहीं पसंद हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम ले लेंगे सरसों का तेल। तेल को पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए, डालेंगे छोटे चम्मच के एक चम्मच पांच फोड़न। अच्छे से पहले इसे भून लेंगे। जैसे ही पांच फोड़न हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज, प्याज को हम दो मिनट हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हमारा हल्का फ्राई हो जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे आलू। सीम की फली और बैंगन, मूली को हम बाद में डालेंगे। सभी चीज़ें डालने के बाद हम दो तीन मिनट अच्छे से हाई मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे।
दो मिनट हमने इसे चलाते हुए फ्राई किया है। अब हम यहाँ पे जो गोभी का डंठल है वो ऐड करेंगे। और साथ ही हम मूली भी ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैं एक चम्मच ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम करके सब्जी को हम फ्राई करेंगे दो मिनट, और बीच बीच में एक एक बार हम चलाते भी रहेंगे। पैन को कवर कर देते हैं दो मिनट के लिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। दो तीन मिनट बाद मैंने बीच में दो बार स्पैचुला से चला दिया था। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से एक डेढ़ मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनेंगे सब्जी के साथ। अदरक लहसुन जब हमारा अच्छे से भून जाए उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। एक तिहाई चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर। एक तिहाई चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। सभी ड्राई मसाले डालने के बाद मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। पैन को हम कवर कर देंगे एक डेढ़ मिनट के लिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। एक डेढ़ मिनट बाद मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और सब्जी भी आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल तेल अलग हो गया है और सब्जी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज तक हमें मसाले डाल के भूनना था। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अच्छे से एक बार मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। सब्जी हमें पानी हमें उतना ही डालना है जितने में सब्जी हमारा सारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम में सब्जी को पकाएंगे ढक के 6 से 7 मिनट या जब तक सब्जी हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 7-8 मिनट बाद सारे सब्जी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और सब्जी को खोल के बिल्कुल ड्राई हो जाने तक इसे और पका लेंगे। बिल्कुल ड्राई करना है हमें। और आलू मूली सभी सब्जियां अच्छे से पक गया है। दो मिनट बाद सब्जी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी गोभी के डंठल के सब्जी बनके तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।